अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारे दोस्त इंजीनियर फखर जमान का, यहाँ पर ट्रायल लगा हुआ है। इनका ट्रायल बिटर गोर्ड पर लगा हुआ है और इनका आज फर्स्ट सोकिंग ट्रोल है। और आज देखते हैं कि इन्होंने आज पानी दिया है अपनी फील्ड में और कल इसमें सीड लगेगा। और आइए आपको थोड़ा फील्ड दिखाएं सर, प्लीज। ये आप देख सकते हैं, आई थिंक इसको 4 मंथ्स लगेंगे ये कंप्लीट तैयार होने में। और उसके बाद इसकी हम रीडिंग लेंगे। और इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे सर? से हम वाटर चेक करेंगे, सॉइल टेस्ट चेक करेंगे। ये हमारे फखर भाई भी आ गए, सर आप बताएंगे प्लीज़ इसमें पैरामीटर कौन कौन से लगेंगे? अच्छा, इसमें पैरामीटर ये कि हम वाटर सेविंग देख रहे हैं कि कितना वाटर यूज़ हो रहा है इसमें, और इसकी साइज जो है बेड की वो भी हम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। तो इसमें हमें यील्ड पे भी इफेक्ट कौन सा मिलता है वो हम देखेंगे। सर ये कॉस्टली कितना महंगा पड़ा होगा आपको? अभी तो इनिशियल अलहमदिल्ला कुछ भी नहीं आया, देखते हैं सीट कितने का मिलता है, उसके बाद लगाएंगे क्या खर्चा आता है, क्या पेशेंट टेक होता है, इसके बाद लगने के बाद फिर पता चलता है कि क्या सीन है। आपको लगता है अगर ये एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो फार्मर को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, फार्मर को फ़ायदा इस वजह से होगा कि हम लैंड को कम यूटिलाइज बेड के हिसाब से कर रहे हैं। अगर जितने ज़्यादा बेड होंगे, बड़े बेड होंगे तो उतनी हमारी प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, जितने छोटे बेड होंगे और जितने क्रॉप पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे क्रॉप उतने ज़्यादा होंगे और यील्ड हमें उतनी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा सर, ये कितनी ज़मीन है आपकी? ये मेरी माशाल्लाह से 200 स्क्वायर मीटर है। 200 स्क्वायर मीटर कितने दिन हुए हैं आपको? ये आज चौकिंग डॉल है, कल इसका मतलब कि सीडलिंग लगाएंगे। ओके, देखते हैं क्या होता है, इतने दिन में जर्मिनेट होता है। बहुत अच्छा लगा कामिल फखर भाई से बात करके, और इन्होंने अपना ट्रायल लगाया हुआ है, इन्होंने खुद बताया कि क्या चीज़ है यहाँ पर। इंशाल्लाह जब इनका 4 मंथ के बाद आई थिंक सर, 4 मंथ के बाद जब इनका रेडी हो जाएगा तब हम एक और वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।